इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नवाली 6.3 का प्रश्न नंबर 11 को हल करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो देखिए डियर स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर ग्यारह में हमसे क्या कहा गया है आकृति में ए बी बराबर एसी वाले एक समु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई e एक बिंदु है यदि ए डी लंब है बी सी पर और ई e एफ लंब है ए सी पर तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज ई e सी एफ के तो देखिए इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे हमें इस प्रश्न के लिए ये आकृति दी गई है जिसमें हमें क्या कहा गया है कि जो ये ए बी और ये ए सी है ये दोनों हमारे बराबर हैं और इसके अलावा अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारा जो ये त्रिभुज ए बी सी है ये एक समिबाहू त्रिभुज हमें कहा गया है ठीक है और इस समिबाहू त्रिभुज की जो ये सी बी भुजा है इसको बढ़ाया गया है जिस पर बिंदु ई स्थित है तो इसमें हमें आगे क्या कहा गया है कि जो ये ए डी है ये इस बी सी पर लंब है इसके अलावा जो ये ई एफ है ये ए सी पर लंब है तो हमें इसमें क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ए बी डी यानी कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है और त्रिभुज ई e, सी एफ यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है हमें इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है तो देखिए ये हम कैसे करेंगे सबसे पहले हम अपने सोल्यूशन में क्या लिखते हैं कि जो हमें दिया गया होता है तो यहां पर हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है तो देखिए डियर स्टूडेंट्स हमें जो दिया गया है वो हमने लिख लिया कि हमारा त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है इसके अलावा ए बी और ए सी बराबर दिया गया है और ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए पर ये चीज हमें दी गई है तो हमने यहाँ पर लिख लिया अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है हमें त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई e, सी एफ को समरूप सिद्ध करना है तो यहां से अब हम सिद्ध करेंगे तो इसके लिए देखिए सबसे पहले जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया है दोनों त्रिभुजों को वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यानी त्रिभुज ए बी डी तथा दूसरा हमारा कौन सा त्रिभुज है त्रिभुज ई e, सी एफ में तो दोनों त्रिभुजों में देखिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी है यानी कि त्रिभुज ए बी डी यानी कि इस वाले त्रिभुज में देखिए जो इसमें हमारा ये वाला कोण होगा ये किसके बराबर होगा त्रिभुज ई सी एफ में यानी त्रिभुज ई सी एफ ये वाला है तो इसमें इस वाले कोण के बराबर होगा क्यों क्योंकि हमें कहा गया है कि जो ए डी है ये इस बी सी पर लंब है और ई एफ जो है ए सी पर लम है तो इसीलिए लम का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री का कोण बनता है तो इसीलिए इस वाले त्रिभुज में हमारा कोण ए डी बी नब्बे डिग्री का है और इस वाले त्रिभुज में हमारा जो ये वाला कोण है यानी कि कोण ई एफ सी तो ये दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं इसीलिए ये दोनों बराबर होंगे तो लिखेंगे यहां पर हम कि कोण ए डी बी किसके बराबर होगा कौन ई एफ सी के क्यों होगा यहां पर रीजन भी देंगे हम क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का है ठीक है तो ये हो गया इसके अलावा दूसरी चीज देखिए हमें क्या कहा गया है कि जो ये ए बी और ए सी है ये दोनों हमारे क्या हैं? बराबर हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर उसकी दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सामने बनने वाले जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं जैसे कि ये दोनों हमारे भुजाएं बराबर हैं तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण बन रहा है और इस वाली भुजा के सामने ये वाला कोण बन रहा है तो इसीलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये वाला कोण देखिए इस वाले त्रिभुज में आ रहा है और ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज में आ रहा है ठीक है तो इसीलिए दूसरी चीज हम ये दोनों कोणों को बराबर दिखाएंगे यानी कि कोण ए बी डी किसके बराबर होगा कोण ई सी एफ के तो यहां लिख लेते हैं कोण ए बी डी किसके बराबर होगा कोण रीजन e, क्या लिखेंगे हम क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो ये हमने रीजन लिख दिया अब देखिए इसमें हमारे दोनों त्रिभुजों में हमने दो कोणों को बराबर दिखा दिया तो इसीलिए इसमें हमारा एंगल एंगल समरूपता कसौटी लगेगा तो यहां लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा इसमें हमारा कि जो दोनों त्रिभुज हैं यानी त्रिभुज ए बी डी ये किसके समरूप सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज ई e, सी एफ के तो इस तरह से हमारा ये सिद्ध हो गया तो हमारा प्रश्न नंबर ग्यारह का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में धन्यवाद